Little bye bye. Finish your tiffin. Okay, chal. Okay. Can I say good morning? Good morning. Bye, let's go. Bye. Do nama. Today is weekend. Namo karin. Weekend was still going. Still going what? Today is weekend. No. But still. You'll get surprised. It's Friday. Yes. It's Friday. Chalo, surprise day. Friday is surprise day. Jai Jagannath. Hey, Jai Jagannath. Toy sab pad chhi bahar. Chal. Okay, give me, I'll keep. Go. Okay. Bye. Okay, bye. Chalo. I love you. Bye. I love you. Maybe I never knew what I really wanted. Anji, good morning, Buldo. Good morning, namaste, salam. Masti, mukham. Guys, kaise hain aap? आज है फ्राइडे तो कैजुअल एनर्जी पूरी फुल, क्योंकि आज के दिन के लिए तो मैं पूरा हफ्ते ऑफिस जाता हूँ फ्राइडे के लिए, क्योंकि जैसे ही मंडे होती है तो मंडे तो मैं जा चुका होता हूँ, फिर मैं खाली अपने दिल को तसल्ली देता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सिर्फ 3 दिन जाना है क्योंकि फ्राइडे वाले दिन तो वीकेंड आता है आपके, और ऐसे ही मैंने आपके बच्चे भी वही करते हैं मामा, विच डे हाउ मेनी डेज मोर, मैं कह रहा हूँ बस ओनली 3 डेज, मंडे को जाते बोले ओनली 3 डेज, क्योंकि दिमाग जो होता है ना अपना, जो दिल होता है वो बड़ा मासूम होता है, उसको से समझाने का कोई बात नहीं, सिर्फ 3 दिन जाना, उसके बाद आलिस वेल, सो लेट्स गो, सी यू इन द इवनिंग, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, इसी में थोड़ा हाथ पर शालन कर लो, टाइम हो रहा है 8:30, जीत निकल जाएंगे अभी, हनी बनी तो चले गए हैं 7:15 को ही, 8:25 में बेटे, 8:30 में मुझे जल्दी पहुंचना था, लेट हो गया, मैं भागता हूँ, सी यू गाइस, बाय इन द इवनिंग, बाय, ओ सी यू इन द इवनिंग, बाय, बाय इन द इवनिंग, जल्दी आना, कहीं जाएंगे आज, मैं भी तसल्ली देती हूँ कि चलो 5 दिन बाहर नहीं निकली हूँ तो फ्राइडे को थोड़ा बाहर निकली, टुडे इज योर डे, बनता है भाई, चले गाइस, चलते हैं, बाय बाय. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, तो आज है फ्राइडे एंड हनी बनी जीत सब चले गए हैं, तो अभी मैं जाती हूँ, घर का छोटा मोटा काम है, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं वो भी फोल्ड करना है, कपड़े वॉश के लिए भी डालने हैं, कुछ कपड़े प्रेस भी करने होते हैं, प्लस किचन का थोड़ा बहुत कुछ काम है, वो सब करके मैंने हेयर ऑयलिंग भी कर लिया है, तो मुझे आज हेयर वॉश भी करना है, साथ ही साथ जो आइस क्यूब मैं बनाती हूँ ना फेस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बहुत बार शेयर किया है कि स्किन केयर करने में मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, तो ये सबसे मुझे ईजी लगता है कि हाँ आइस क्यूब बना के रख लो, अच्छा मतलब जो भी आपको जैसे भी बनाना हो, देन फिर आप उसको आराम से 10-15 दिन तक डेली यूज़ कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा भी रहता है, तो वही एक टाइप का और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, देन हेयर वॉश वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी हनी बनी को पिक करने के लिए, आज उनका जल्दी छुट्टी होता है, नॉर्मली फ्राइडे को 11 बजे छुट्टी हो जाता है, वैसे 11:30 छुट्टी होता है, फ्राइडे वाले दिन 11 बजे छुट्टी हो जाता है, तो चलिए फटाफट पहले काम निपटा देती हूँ, देन आइस क्यूब बनाते हैं, हेयर वॉश करती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ. So, चलिए गाइस, मैं पहले आइस क्यूब बना लेती हूँ ताकि मतलब दोपहर तक ये रेडी भी हो जाए तो मैं अप्लाई करूँ, एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया बहुत बार दिखाया भी है, मैं ऐसे ही इस टाइप का आइस क्यूब बना के रखती हूँ, ये जैसे है टमाटर एंड जो कुकुम्बर मतलब खीरा टमाटर एंड लेमन जूस का, ये आइस क्यूब ऐसे बना के मतलब उसका प्योरे बना देती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ एंड ऐसे ट्रे में रख देती हूँ, तो जब भी मन किया दिन के टाइम पे, जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा बस इसको फेस पे अप्लाई कर लो, देन बस सूखने के बाद वॉश कर लो, ये है हल्दी बेसन एंड थोड़ा सा दही इसमें ऐड किया था, तो उसका पेस्ट बना के उसको भी मैंने फ्रिज करके रखा था, तो बस ये थोड़े बहुत ही बचे, मैं बहुत सारा बना के रखती हूँ तो ये थोड़े बहुत बचे हैं, तो आज जो मैं आइस क्यूब बना रही हूँ ना
वो आपके मतलब फेस में जो पिंपल से जो दाग धब्बे आ जाते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं इंडिया गई थी उससे पहले भी बहुत सारे पिंपल आ गए थे फेस में तबीयत ख़राब की वजह से, तो वो दाग बहुत रह गए हैं, तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए आलू, टमाटर, नींबू, गुलाब जल एंड ये है राइस पाउडर, चावल का आटा। वैसे भी चावल मतलब चावल का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। चावल आप भिगो के जो रखते हो ना, मतलब वॉश करते हो जब चावल पकाने के लिए, तो वो पानी अगर बालों में अप्लाई करोगे वो भी बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड ये चावल का आटा फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब स्पेशली जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ना उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अभी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बीट रूट का क्यूब भी है, तो ये भी कभी कभी बना के रख देती हूँ एक दो, बस लिप्स में कभी अप्लाई करने के लिए, इससे भी मतलब अच्छा होता है। तो इसी टाइप के आइस क्यूब मैं मोस्टली बना के रखती हूँ, क्योंकि बाकी कुछ मुझसे और नहीं होता है इतना कि मैं डेली बनाऊँ लगाऊँ, तो ये मैं बना के रख देती हूँ आराम से 15-20 दिन तक, ये मैं इसको अप्लाई करती हूँ डेली अपने फेस पे। तो चलिए अभी इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे आलू को मैंने पील करके ऐसे रफली चॉप कर दिया है एंड टमाटर को भी ऐसे ही रफली चॉप कर दिया है, तो उसका हम लोग एक पेस्ट बना लेते हैं सबसे पहले, या तो आप चाहो तो ग्रेट भी करके ले सकते हो। इसमें ऐड करेंगे एक नींबू का जूस पूरा, तो ये हो गया है पेस्ट रेडी। आप चाहो तो इसको छान भी सकते हो, बट ऐसे पूरा अच्छे से पेस्ट बना लो तो छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऐड करेंगे अभी राइस पाउडर, तो ये राइस पाउडर एंड आलू, टमाटर, नींबू सारे ही जो पिंपल के जो दाग होते हैं वो सब रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसमें मैं करीब 4 से 5 चम्मच राइस पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर किसी का ड्राई स्किन है ना, देन ये चावल के आटे से और थोड़ा ड्राई हो सकता है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल जो है 1 चम्मच आप कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करके फिर उसको सारा मिक्स करके आप जो क्यूब है वो बना लो, देन आपका स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगा। एंड इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, ये अच्छा फ्रेग्रेंस भी देता है प्लस स्किन के लिए भी अच्छा है। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया है मिक्स, तो अभी हम इसको आइस ट्रे में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रीजर में जो आइस ट्रे रहता है वो तो अलग है, बट मैं अपने फेस के लिए जो आइस क्यूब बनाती हूँ तो इस टाइप का मैंने सिलिकॉन वाला ख़रीदा है, तो ये ना अच्छे से आइस क्यूब जो है उसको प्रेस करोगे ना तो अच्छे से निकल आता है, बाकी वो प्लास्टिक वाला फिर उसको बहुत सारा एक साथ निकल आएगा, तो इससे ना एक एक करके निकल जाता है, तो ये अच्छा है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो या नॉर्मल किसी भी उसमें आप बना सकते हो। तो बस इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस टाइप का आप अपने पसंद का जो भी आपके स्किन टाइप से सूट करता है ना, उस टाइप का आप बना के आइस क्यूब रख लो 4-5 टाइप का या 1-2 टाइप का। देन आप जब भी फ्री हो, ऐसे ही बैठे हो या किचन में कुछ काम कर रहे हो, थोड़ा सा बस फेस में रब कर लो, जब तक आप किचन में काम कर रहे हो 10-15 मिनट में वो सूख भी जाएगा, देन आप उसको वॉश कर लो। तो बस ये बहुत हैंडी रहता है, इसीलिए मोस्टली मैं इसी सब को बना के रख देती हूँ, चाहे टमाटर का हुआ, कुकुम्बर का हुआ, आलू का हुआ, हल्दी बेसन का, जैसे भी मुझे मतलब जैसे मुझे मन किया वैसे मैंने बना के रख दिया। तो बस ये आप 2-3 घंटे बस फ्रीजर में रख दो, देन ये जम जाएगा, देन आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके साथ में से कवर आता है तो आप कवर करके रख। The only one lost in translation.
घंटे से मिला रहा हूँ तो फोन तो फोन मिल ही नहीं रहा है, मैंने हाथ में पकड़ रखा था। फोन कैसे मिलेगा, दिमाग भी कुछ और होगा ना। गाइस कैसे हैं आप सब? बढ़िया है गाइस, आपके आंखों के सामने सुबह 8:30 गए थे, 9 बजे। सुनो इतना तो लेबर लॉ भी अलाउ नहीं करता है दुबई में। मेरा अपना जमीन जमीन अलाउ करता है, जमीन नहीं जमीन। क्या हुआ? ए ए ए तू कौन डैडा को देखी? चॉकलेट पागल है उनकी? नो 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 चॉकलेट। देखो ना डैडा तो उल्टा बिगाड़ रहे हैं, तो बच्चों को क्या बोलूं। सब जानते हैं किस टॉफी का क्या नाम है। आप ही ने ये सब सिखाए, ये टॉफीज लाना। अल्पेनलीबे इधर दीबे। अल्पेनलीबे चलो 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 लेट्स गो। वेयर राशन लेने हमारा काम किया? और नहीं राशन नहीं है, मतलब है घर में तो थोड़ा तो था ना। हाँ वो था डायपर कौन पहने? टिशू पेपर। मैं टिशू में जाके नीचे आज ले आई हूँ एक पैकेट। गोलगप्पे खिला दो। गोलगप्पे खा के पपड़ी मंदिरी। लेट्स गो चेंज तो कर लो। चेंज क्या करना भाई, गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं 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 चेंज कर लो एक साथ, क्योंकि हम थोड़ा लेट आएंगे, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव घूम घूम के आएंगे। ऑलरेडी इतना लेट हो, कितना लेट आज? हाँ तो कल तो छुट्टी है, मैं आके 10 बजे सोने वाला। देखो कौन बोल रहा है, कल मैं 10 बजे उनको बेड पे लेके गई, सोए 3 बजे। मैंने क्या किया? तूने किया जो भी किया। मतलब शर्म तो आती है। याद आया कुछ और भी लेके आना है। हाँ एए, चलो लेट्स गो दोस्तों। सो आ गए हम लोग दुबई के इंडिया में मीना बाजार। थोड़ा बहुत कुछ अलादिल जो इंडियन स्टोर है ना वहाँ से कुछ लेना है सामान, राशन एक दो, देन उसके बाद गोलगप्पे खाएंगे इधर। ये है अलादिल जहाँ पे सारा इंडियन सामान जो है वो मिल जाता है बहुत सारी जगहों पे। इसके अलावा मधुर एक है मीना बाजार में जहाँ पे पूरा सारा इंडियन खाना मतलब सब कुछ मिल जाता है, पूरा इंडियन सारा। एंड यहाँ पे आप साबुत जो भी जो गेहूँ वगैरह खरीद के ना पिसवा सकते हो, चक्की फ्रेश आटा बिल्कुल, एंड मल्टीग्रेन आटा वगैरह वो भी सब पिसवा सकते हो यहाँ पे। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. So guys, सूखा सूखा ब्लॉग हो गया। गोलगप्पे क्या है, गोलगप्पे खा के मैं थोड़ा घूमते फिरते उसका करते तेल भरवा रहे हैं, फिर जाके क्या करेंगे घर पे? सो जाएंगे, कल जाएंगे घूमने। सोएंगे तो मैं क्या बोलते हैं मुझे हल्ला आ गया, सोएगा तो घंटा भी कोई नहीं कोई नहीं, बट थोड़ा टीवी भी देखेंगे और क्या, थोड़ा टीवी देखेंगे, थोड़ा बीवी देखेंगे और बीवी यही बोलिए भी, टीवी बीवी देखेंगे, थोड़ा टीवी को देखेंगे, थोड़ा बीवी देखेंगे। कुछ सजेस्ट करो यार, अभी 2 दिन वीकेंड है, कोई अच्छी मूवी वगैरह कुछ अच्छा सीरीज सीरीज। बहुत काम है, खाली सीरीज देखने का टाइम नहीं है। रात को तो हम वैसे कुछ नहीं करते ना, तो सीरीज ही देखेंगे और क्या करेंगे, सीरीज और कुछ है। एक दूसरे को देख देख के बोर हो गए हम, तो हम थोड़ा सीरीज देखना चाहते हैं। क्यों नहीं, ये स्टेटमेंट आपने बोली, मैंने नहीं बोली। हाँ ये स्टेटमेंट मैंने बोली है तो पहले बता रहा हूँ, रिकॉर्ड हो गया है ऑन एयर, ऑन एयर रिकॉर्ड हो गया। मैंने ये स्टेटमेंट बोली है लेकिन ऑन आर बिहाफ बोली ना, नहीं नहीं तो मैं स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं है, खत्म हो गया। चलिए गाइस जो भी हो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में। तेल का प्राइस कितना बढ़ गया यार, मतलब जब मैं आया था तब से लेकर 4 times यहाँ 4 दिरहम से ऊपर हो गया, 4 दिरहम 30 fils हो गया, बट ये पूरा वर्ल्ड वाइड में ऐसा हो रखा है। और तो होपफुली अभी जो यूएस ये सब हुआ है, अभी जो सैंक्शंस है होपफुली जल्दी से ठीक ठाक हो, रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा सा फटाफट खत्म हो, सारी चीजें सेट हो, दुनिया वापस चीजों पे आए। रुकिए मैं जरा पेट्रोल का पेमेंट कर दूं, इतनी देर में पेमेंट आ गया। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, 290 आपने पेट्रोल भरा दिया क्या? बिल्कुल तेल नहीं था क्या? 270 219 और 290
चले गाइस, फिर आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे भी लगा, मैं क्या ऐसा कितना तेल खाया भाई, मैं 220-230 तेल था इसमें ऑलरेडी। टैंक फुल होता है ना, टैंक तो फुल है लेकिन मैं नॉर्मली खाली टैंक करके नहीं आता हूँ। मैं नॉर्मली 15-20 लीटर होते तब मैं आके भरवाने लगता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय। बताना आप लोग भी तेल भरवा रहे हो कि नहीं आजकल? तेल नहीं भरवाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगा? नेक्स्ट गाड़ी सी उसी। अरे मैं ऐसी बकवासें करता रहता हूँ कुछ भी आप, लेकिन मेरे को जरूर बताना कोई अच्छा मूवी आया हो या कोई अच्छा सीरीज आया हो। सो आई विल बी वेरी हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय 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 बाय। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आपने बोला सी यू। बाय बाय। हां तो हो जाता भाई, इसको बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड हो जाना और क्या। मेरी बीवी को तो मौका चाहिए बस। आप कैसे मौका ढूंढते हो? मैं अगर कुछ बोल दूं तो? अगर मैं मौका ढूंढता हूँ तो पति परमेश्वर जैसा होता है। अब परमेश्वर के साथ में खेल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेवा होती है। क्या होती है गाइस, समझाइए इसको, लिख के बताना इसको। क्या होती है? लिख के बताना। क्या होती है? डैश लिख के बताना। और सब लोग लिखेंगे सेवा। अब एक बार लिखना जरूर, फिर मैं इसको दिखाऊंगा। सेवा करेगी सेवा तो मिलेगा मेवा। नहीं चाहिए मुझे मेवा। कोई बात नहीं, तो तेरी जब गाड़ी आएगी तो उसमें तेल डलवा दूंगा मैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी। इलेक्ट्रिक बाबा थे ना किसी मूवी में, कौन से ही थी उसमें। इलेक्ट्रिक गाड़ी का ये फायदा है कि दुबई में कहीं पे भी आपको पार्किंग भी फ्री है आराम से, क्योंकि दुबई अभी प्रमोट कर रहा है इलेक्ट्रिक कार्स, तो पार्किंग वगैरह फ्री होगी मेरी, तो मैं क्यों लूंगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेगी तो एक काम करना, एक पावर बैंक भी ले लेना। तेरी गाड़ी कहीं खराब होगी तो चार्जिंग। क्यों, इतने सारे मॉल से मॉल में घुस जाऊंगी, 2 घंटे चार्ज हो जाएगा, मैं शॉपिंग भी कर लूंगी। पहले जब नए नए मॉल का कंसेप्ट आया था ना, मुझे लगा था आया जब हम लोग छोटे थे, मुझे लगा महल, क्योंकि हम लोग पहली बार में महल मॉल में गए, मैं महल में, ये सच में महल जैसा ही है। मुझे पता था जब भी हम आपसे मुखातिब होंगे तो ब्लॉग लंबा ही होगा, बता रहा हूँ, इसका विरोध करेंगे। छुट्टी है, पूरा ब्लॉग हम लोग सारे मिलके जंतर मंतर पे जामा मस्जिद पे बैठ के इसका विरोध करेंगे, इस मगरूर मगरूर लेडी के अगेंस्ट में। अब इसकी सासे आ जाएंगी और फिर आके चीजें करेंगे। चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय।